जब आप लोग फायर क्रिक का यूज़ करके अपने डेली यूज़ की कोई छोटी मोटी चीज़ चिपकाते होंगे, तो आपके साथ होता तो ये होगा कि वो चीज़ एक दो दिन के लिए तो चिपक जाती होगी, लेकिन अगले दिन वापस टूट जाती होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को पहले से बेहतर तरीके से चिपकाना बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को जो आपकी टूटी हुई है नॉर्मली फायर क्रिक से सिंपली चिपका लेना होगा, जैसे कि अभी मैंने चिपकाया। फिर आपको एक प्रोसेस इसमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए चाहिए क्या हमें, सिंपली बस एक पाइप। जी हाँ, पाइप, जिसको आप लोग फ्रूटी पीते समय गन्ने का जूस और पेप्सी कोला पीते समय जो आपको मिलता है, सिंपली वैसा ही पाइप चाहिए आपको। और फिर उसमें से आपको एक छोटा सा पीस कट करके निकालना है, जैसा कि अभी मैं कट करके निकाल रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें से कट करके निकाल लिया है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने जो चीज़ चिपकाई है जहाँ पे उसका जॉइंट है, उसके बीचों बीच में हमें ये पाइप का टुकड़ा रखना होगा। तो मैंने यहाँ से अभी अपना चश्मा चिपकाया था, तो उसके बीचों बीच में मैं यहाँ पे अपना पाइप का टुकड़ा रखूँगा। ध्यान से रखिएगा आपके हाथों में ना चिपक पाए। तो ये मैंने पाइप का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फायर क्विक लेके ऐसे इसके नीचे चुआना होगा, इसके अगल बगल कोनों के जरिए, कि जो फायर क्विक की एक लेयर जो है ना, इस पाइप के नीचे बन जाए। तो ध्यान से आपको फायर क्विक चुआना होगा, ताकि इसकी एक लेयर इसके नीचे बन जाए। तो मैंने चुआ दिया इसके नीचे। अभी हमें इसके सूखने तक का वेट करना होगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। तब तक हम लोग सेम कॉन्सेप्ट इसी अपनी नाइफ पर लगा लेते हैं। ये तो टूटी हुई नहीं है, चलिए इसे तोड़ देते हैं। इसे मैंने तोड़ा, जैसे हम लोग नॉर्मली चिपकाते हैं वैसे चिपका लिया। फिर पाइप का टुकड़ा लिया, इसके बीचों बीच में यहाँ पे हम लोग पाइप का टुकड़ा रखेंगे। और उसके बाद फायर क्विक की एक लेयर इसके नीचे वाले हिस्से में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब इसके अगल बगल छुआएंगे फायर क्विक और दबाएंगे, उस बूंदे चुआएंगे, तो अपने आप ही इस पाइप के जरिए एक लेयर बन जाएगी। तो एक अच्छी सी लेयर बनाइएगा जो दोनों जॉइंट्स के बीच में। तो हमने यहाँ पे भी एक लेयर बना ली है। अभी हमें इसे सूखने तक का इंतजार करना है। तो हमारे चश्मे पे जो फायर क्विक लगाया था वो सूख चुका है। तो अभी हम लोग उस पाइप को सिंपली हटा लेंगे वापस। तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा कि मैंने पाइप के टुकड़े को हटा लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फायर क्विक की लेयर बन चुकी है। तो इस तरीके से हमारा चश्मा पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग चाहें तो चारों हिस्सों में एक एक लेयर बना सकते हैं, तो इससे और भी अच्छे से आपका चश्मा जुड़ जाएगा। तो अभी मैंने इसे एक ब्लेड की सहायता से और क्लीन कर लिया है, और जो आपको सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है उसे आप लोग किसी काले कलर से पेंट करके वापस सही कर सकते हैं और फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से चिपका। तो अभी हम लोग जो नाइफ चिपकाए थे उसकी लेयर भी हटा लेते हैं, ऊपर वाली, अरे वही जो पाइप चिपकाया था। तो जैसे ही हमने पाइप हटाया, आप लोगों को यहाँ पे एक फायर क्विक की लेयर दिख गई होगी। देखा आप लोगों ने, लगभग आधे मिलीमीटर मोटी एक लेयर जम चुकी है फायर क्विक की। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो ज्वाइंट था पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ गया है। तो अभी हम लोग ब्लेड से इसे क्लीन कर लेते हैं, ताकि देखने में भी थोड़ा ठीक लगने लगे। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, जो मेरा टूट गया था इसे भी मैंने सेम इसी कॉन्सेप्ट से चिपकाया था, और ये पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ गया है। जबकि ये हिस्सा काफ़ी मूवमेंट में भी काम आता है, यहाँ से ट्राइपॉड बार बार मुड़ता है, खुलता है, बंद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी कभी ना कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और कमेंट में आप लोग एक चीज़ बताइए कि आपके हाथ में कभी फायर क्विक लगा है, अगर लगा है तो उसको छोड़ने में कितने दिन लगे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और नए अमेजिंग वीडियो में।